क्या हो अगर हमारा सूरज एक ब्लू जायंट स्टार बन जाए? उस समय धरती पर क्या बीतेगी? क्या हम इस भयानक गर्मी को सहन कर पाएंगे? और क्या धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा? जानेंगे आज के इस वीडियो में। हमारे ब्रह्मांड में तीन तरह के तारे पाए जाते हैं, रेड जायंट स्टार, ब्लू जायंट स्टार और हमारा सन। इस ब्रह्मांड में सबसे गर्म तारा ब्लू जायंट स्टार होता है, जिसका तापमान लगभग 40,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका मास हमारे सूरज से लगभग 10 से 50 गुना ज्यादा होता है और इसकी रेडियस 25 गुना ज्यादा होती है, इसलिए इसे नीला महादानव तारा कहा जाता है। ये ब्रह्मांड के सबसे गर्म और सबसे तेज रोशनी वाले तारे होते हैं और ये बहुत ही कम तादाद में पाए जाते हैं। लेकिन जिन तारों का मास हमारे सूरज से 10 गुना ज्यादा होता है, वो अपना हाइड्रोजन फ्यूल जल्दी ही खत्म करने के बाद हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो रेड जायंट स्टार बन जाता है। इनमें से लाल रंग की रेडिएशन ज्यादा निकलती है। इन तारों के सतह का तापमान पूरे ब्रह्मांड में सबसे कम होता है, जो कि लगभग 1750 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारे सौर मंडल के सूरज का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि रेड जायंट स्टार और ब्लू जायंट स्टार के बीच में आता है, जिसमें से नीले और लाल रंग के तारों के बराबर वेवलेंथ में वेव्स निकलती हैं। इसलिए हमारा सूरज सफेद रंग का बना होता है, जो कि हमारे धरती के वातावरण में पीला या फिर नारंगी दिखाई देता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग की वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा दिखाई देता है, जबकि नीले रंग की वेवलेंथ बहुत कम होने की वजह से वो जल्दी ही बिखर जाती है, जिसकी वजह से हमारा आसमान नीला होता है। लेकिन अगर हमारा सूरज एक ब्लू जायंट स्टार बन जाता है तो आसमान में नजारा काफी अलग दिखाई देगा। अगर हमारा सूरज एक ब्लू जायंट स्टार बन जाता है तो इसका आकार काफी बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मरकरी को निकल जाएगा। हमारे सौर मंडल में मौजूद सारे ग्रह गर्म हो जाएंगे, धरती बेहद गर्म हो जाएगी, सूरज की रोशनी बेहद तेज हो जाएगी और इसकी अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर मौजूद जीवन को तबाह कर सकती है, जो हमारे बॉडी को बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर हम इस गर्मी को भी सहन कर पाते हैं तो भी हम इससे नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इसकी खतरनाक रेडिएशन हमारी स्किन पर ज्यादा असर डालेगी। इससे हमारे टिश्यूज सेल्स बर्बाद हो जाएंगे, आंखों की रोशनी खराब हो जाएगी और इसकी ब्लू लाइट हमारी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, जो कि हमारे नींद को भी प्रभावित करेगा। इंसानों के अलावा और भी बहुत सारे जानवर और पेड़ पौधे बर्बाद हो सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में गड़बड़ी आ जाएगी और कुछ पौधे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इस ब्लू जायंट स्टार में ज्यादा मास होने की वजह से ये ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करेगा, जो कि हमारे सौर मंडल के सारे ग्रहों को प्रभावित कर सकता है। सोलर सिस्टम में गड़बड़ी आ जाएगी, ये एक एक करके सारे ग्रहों को निकलता जाएगा। सिर्फ एक परिस्थिति में हमारी धरती जिंदा रह सकती है, अगर वो किसी दूसरे तारे को ऑर्बिट करने लग जाए। लेकिन क्या होगा अगर सूरज हमारी धरती को निकल जाता है? इससे धरती पर क्या असर पड़ेगा? आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और स्पेस से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमय वीडियोस के लिए कीमती फैक्ट्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें।